सर, सुना है कि भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस आलाकमान भी एक मार्गदर्शक मंडल बनाने जा रहा है, क्या आपको इस बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो आपके इस विचार में मंडल में कांग्रेस के अडवाणी और मुरली मनोहर कौन हो सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रिलियंट। मेरी जानकारी में मार्गदर्शक मंडल तो वो बनाने जा रहे हैं, ये तो मैंने भी सुना है। ठीक है, अब कौन कौन होंगे तो ज़्यादातर मान लीजिए G3 के लोग होंगे, कुछ अपने भी होंगे, कुछ पराए भी होंगे। और वैकेंसी कितनी है वहाँ? वहाँ तो तीन ही थे, दो ही थे मेन, तो यहाँ चार हैं, पाँच हैं, छः हैं, दो हैं, क्या हैं? ठीक है ना, सत्ता में हैं, निवर्तमान हो गए वो हैं, आगे जाके क्या है? लेकिन आइडिया उन्होंने ये अच्छा डेवलप किया है कि हमारा मार्गदर्शक मंडल, ताकि जो लोग आज स्थापित नहीं हैं उनका एक मान सम्मान हो जाए। राज्यसभा टिकट नहीं दे रहे किसी को, चलो ये मार्गदर्शक मंडल दे दो। अब गाड़ी घोड़ा तो मिलेगा नहीं वहाँ, क्योंकि मंत्री के समकक्ष सुविधाएँ मिल नहीं सकती है, तो सरकार नहीं है ना अब वहाँ पे इन लोगों की जो है। तो मंडल ये बन सकता है, मार्गदर्शक मंडल, मार्गदर्शक मंडल बन सकता है। कौन लोग हो सकते हैं मैंने आपको संकेत दिया है, ठीक है, बाकी एनीबडीज गैस। अब जब मार्गदर्शक मंडल की बात आप करते हैं तो मेरे को एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ध्यान आता है। जब भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल बनाया तो मन में तय किया कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक है, तो उनके जो प्रधान सेनापति हैं अमित शाह, उनको ये जिम्मेदारी अनौपचारिक तौर पे सौंपी गई कि वाराणसी के अभी MP हैं मुरली मनोहर जोशी, ठीक, तो इनको किसी तरह से मनाया जाए, सीट खाली करवाई जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनेगा वहाँ से जो लड़ेगा। ये तो कॉन्फिडेंट थे नरेंद्र मोदी शुरू से, मैंने इंटरव्यू किया था उसमें उनकी झलक, चुनाव जब करके आए थे, तीसरा इंटरव्यू किया था मैंने, उन्होंने ये कहा था भैया सरकार तो बन गई जो है, कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, और सरकार बन गई उनकी जो है। तो उनको लगा कि भाई करना, प्रोसेस क्या शुरू करें, तो ये जो चैलेंजिंग काम था ये अमित शाह को सौंपा गया जो है। तो मन में वो योजना बना रहे थे बैठे बैठे, वाराणसी, इलाहाबाद, जहाँ भी उस दिन होंगे, कि कैसे करें। अमित शाह खास करके टूर बहुत करते हैं, गाँव गाँव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, पड़े रहते हैं दिनों दिन वहाँ पर, तभी जुड़ते हैं वहाँ पर जो है। और तो फिर एक दिन अचानक घटना क्या हुई, गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी इस विषय को टेकअप करने की अमित शाह के लिए। वो यहाँ रुके हुए थे तो वहाँ एक मामा जी करके कोई व्यक्ति घर में होते हैं, जैसे हमारे W है जो है, तो रोटी बनाता करता नाम हो जाते हैं इनके, मामा जी, चाचा जी, ऐसे करते हुए। तो एक वहाँ का जो W था मामा जी करके रोटी बनाने वाला, वो जो है रोटी बना के लाया, अमित शाह और मुरली मनोहर जोशी खाना खा रहे थे, उसने परोसी, और इतने उत्साह में था वो, और बोला उनके सामने, अरे साहब मालूम है क्या कि हमारे बनारस से बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतने उत्साह में था वो, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आलम देख रहे हैं आप, वहाँ पे उत्साह में था। अमित शाह ने सुना तो हक्के बक्के रह गए, ये क्या हुआ? अच्छा, मामा जी कैसे मालूम पड़ा? अब मामा जी घर में होते हैं, W ड्राइवर सब सुनते रहते हैं क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही, सुन लिया उसने जो है, उसके मुँह से निकल गया वहाँ पर जो है। तो मुरली मनोहर जोशी तनाव में आ गए, तो उन्होंने कहा अमित शाह से, तो नरेंद्र मोदी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? BJP से तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो BJP से लड़ने, बहुत शालीनता से संकोच से उनका BJP से लड़ने की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह को कहा ये कि तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है, कहाँ से खड़े होना है। उन्होंने शालीनता, भाई अमित भाई खुद बड़े आक्रामक स्वभाव के, उन्होंने शालीनता रखी और कहा कि नहीं आपको फ़ोन आएगा, और फिर कहा कि वो अडवाणी जी को हो गया क्या मैसेज ये? तो उन्होंने कहा उनको हाँ हो गया मैसेज। तो बोले ठीक है, जिसने उनको फ़ोन किया वो मेरे को भी फ़ोन कर देगा, आप तकलीफ मत करिए। ठीक, अमित शाह ने हिम्मत नहीं हारी, आए वापस और आ करके कृष्ण गोपाल RSS वाले उनको साथ लिया, एक बार फिर उनसे मिले जा करके जो है। तो जब बात नहीं बनी तो अल्टीमेटली सब ने कहा, इन्होंने मिल के उनको, मुरली मनोहर जी को, कि देश का प्रधानमंत्री चुनना है, हम सबको अपनी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, आप भी छोड़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन फ़ोन तो करवाओ। फिर मोहन भागवत ने सुना मैंने कि अमित शाह ने फ़ोन करवाया उनसे, आडवाणी जी को और उनको, और इस तरह से वाराणसी की सीट छुड़वाई और आगे बढ़े। तो मार्गदर्शक मंडल, अब देखिए यहाँ तो ये है ना कि ऐसा कोई स्थिति है नहीं कि सत्ता से बाहर हैं लोग जो मार्गदर्शक मंडल में आएंगे, तो अमित शाह का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन कहेंगे अगले दिन बैठ जाएंगे आके, अगर कोई भविष्य नहीं है तो नहीं होगा, तो हार्दिक पटेल बन जाएंगे, क्या होगा, यही होगा जो है।